डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर होने का दैनिक राशिफल बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन। जैसा हम हर दिन बताते हैं, जानकारियां आपको तो पता है चली गई होंगी कि आज इसमें कौन कौन से मिलेंगी। आज के दिन का राशिफल है जो चंद्र राशि पर आधारित है, उपाय है, लकी कलर और लकी नंबर भी है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार का राशिफल बता रहे हैं। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो दोपहर 2:41 तक रहेगी। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 11:43 से 12:26 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं राहु काल की बात करें यानी अशुभ समय की तो आज प्रातः 9:21 से 10:43 तक है। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर आपको नहीं करना है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। स्वास्थ्य में आज आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर आज आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक जीवन की बात करें पैसों की, तो आपको जो है आज इसमें भी अथक प्रयास करने होंगे पैसा कमाने के लिए। यानी कि धन के मामले में वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन पैसा आपके पास आएगा लेकिन आपकी मेहनत से, आपको मेहनत करना होगा। पारिवारिक जीवन के लिए दिन अच्छा है, आप सब परिवार किसी पार्टी में शिरकत कर सकते हैं, कुछ नए लोगों से भी आज आपकी मुलाकात होगी। वहीं प्रेम जीवन में पड़े इस राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। आज आपको महसूस होगा कि प्यार से खूबसूरत एहसास इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। वहीं बात करें कार्य क्षेत्र की, तो आज ऑफिस में आपको आराम मिल सकता है। व्यापार के लिए भी दिन आज शानदार रहेगा, आज आप व्यापार में मुनाफा आपको कमा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उम्दा है, अच्छा है, आप अपनी क्रिएटिविटी से इस दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। मैरिड लोगों के बारे में जान लेते हैं, आज का दिन आपके लिए भी काफी सुंदर रहेगा। आपको आज अपने लाइफ में वैवाहिक जीवन में कुछ हटकर अनुभव मिलेंगे। इस राशि के जो छात्र हैं स्टूडेंट्स उनकी बात करें तो आज के दिन आप जो है ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं इस दिन का, तो अपने बड़ों की राय, बड़े बुजुर्गों की राय को ना केवल गौर से सुने बल्कि उसको अमल में भी लेकर आए। वहीं जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनके लिए आज निराशाजनक दिन है। गृहिणियों को आज कोई प्यारा सा सरप्राइज मिल सकता है। उपाय सुन लीजिए। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। आज सेहत को लेकर आपका मन खुश रहेगा। डॉक्टरी परामर्श के बिना सेहत में काफी सुधार देखने को आपको मिल सकता है, यानी कि आज आप खुद से भी बहुत एक्टिव रहेंगे अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। पैसों की बात करें तो आज जो है आपको पैसों के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज आपको करना क्या है, आपके पास जो पैसे हैं उसको आपको बनाना है एक बजट, किस तरीके से इसको आप जो है आने वाले समय में अपने पैसों को खर्च करेंगे ताकि आपका जो आर्थिक जीवन में जो परेशानियां आ जाती हैं वो दूर हो। पारिवारिक जीवन में आज आपका मान सम्मान जो है वो प्रभावित हो सकता है, घर का कोई छोटा आपसे बहसबाजी कर सकता है। वहीं प्रेम जीवन में आज अच्छे अनुभव मिलेंगे, प्रेमी आपकी भावनाओं को समझेगा। कामकाजी लोग आज अपने सहकर्मी जो है आपके काम की दिशा में आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको कुछ नई चीजों के बारे में सलाह देंगे। बॉस की प्रशंसा के भी आज आप पात्र इस राशि के कुछ लोग बन सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं आज आपको अपने जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाना चाहिए कि आज का दिन इसके लिए बेहतरीन है। अपने अंदर पूरा जोश रखें, अपने जो है सोच पर विश्वास रखें, किसी बड़े से सलाह लें और आप आगे की तरफ बढ़ें। क्योंकि जब तक आप बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं आप ये नहीं कह पाएंगे कि जो है वो चीज़ें होंगी सक्सेसफुल या नहीं होंगी। इसीलिए आपको आज करना क्या है, अपने बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए कोशिश करें घर में एकांत में बैठकर पढ़ेंगे पढ़ने की। अगर पूरे घर के बीच में अगर बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, तब परेशानी आएंगी, इसीलिए एकांत में जाएं। उपाय सुन लीजिए। उपाय के तौर पर आज आप पेड़ पौधों की कोपले या अंकुर बिल्कुल भी ना तोड़ें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आप अच्छे स्वास्थ्य का भरपूर मजा लेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी बुलंद रहेगा। अपने कार्य में आज जो है उतावलापन छोड़कर आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। एक छोटी सी सलाह है आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए, आज आप अपने समझदारी से अपने कोशिशों से अपने दिन को जो है अच्छा बना सकते हैं। पैसों के मामले में जो लोग शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं आज का दिन आपके लिए अच्छा है। वहीं जो लोग किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते थे जैसे घर गाड़ी, उनके लिए भी दिन काफी अच्छा है। आज आपका जो अट्रैक्टिव नेचर है सबको खुश रखेगा, नए दोस्त बनाने में भी जो है आपको इससे मदद मिलेगी। परिजनों के बीच आज एकजुटता दिखेगी। वहीं साथ में आने वाले समय में घर में कुछ मंगल आयोजन के बारे में बातचीत चल सकती है।
घर में कोई विवाह योग्य है तो उसकी भी रिश्ते की बात चल सकती है। प्रेम जीवन में आज आपको जो अपनी बातों को अपने जो प्रेमी है उनको अपनी बातों में फंसाने के बजाय जो सच है वो कहना चाहिए, तभी आप आज के दिन का आनंद उठा सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है। कारोबारियों को आज पूरा मुनाफा होने की संभावना है। अपने उत्साह को दोगुना करने के लिए अपने स्किल्स में निखार लाएं। नौकरी पेशा लोगों को भी आज किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आज आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने जो है कार्य क्षेत्र में। शादीशुदा लोग जो हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा आपका। जीवन साथी के प्रति जो आपकी ऑनेस्टी है वो आज आपके जीवन साथी को काफी पसंद आएगी, आपकी लॉयलिटी काफी पसंद आएगी उन्हें। वहीं छात्रों की बात कर लेते हैं, आज आप काफी कोशिशें करते नजर आएंगे, इसीलिए आपको जो है पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। पढ़ाई के अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं वो तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। जो है आप जो एक एम लेकर चल रहे हो उसके बाद एक बार उसको गोल को कंप्लीट कर लें, उसके बाद बहुत सारा टाइम है एंजॉयमेंट के लिए। तो आज कोशिश करनी है आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करने की। गृहिणियों की बात करें तो आज आप अपने जो है अपनी चीजों में ही खोई रहेंगी, यानी कि आपको दूसरों के बारे में उतना ज्यादा ये नहीं होगा, आप खुद की चीजों खुद की खुशी के लिए ही काम करेंगी। उपाय सुन लीजिए, जौ मूली व काली सरसों का दान किसी मांगने वाले को करें। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। सेहत की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है। आज आप शारीरिक और मानसिक लाभ आपको मिलेगा, यानी कि आज आप काफी सही रहेंगे। किसी आपको कोई बीमारी थी उसमें भी सुधार आएगा। आपकी हेल्थ अगर कुछ समय से खराब चल रही थी तो उसमें भी आज आपको सुधार देखने को मिलेगा, यानी पुरानी चीजें आज आपसे दूर जाएंगी, यानी बेकार चीजें जैसे सेहत खराब होना ये सब चीजों से आपको आज थोड़ी राहत मिलेगी। आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो आज आपको अपने किसी बड़े से सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आर्थिक जीवन को सही बनाएं। जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं आज अपने लव मेट से ज्यादा किसी और में उनकी दिलचस्पी होगी, जिस वजह से आपके और आपके प्रेमी के बीच झगड़ा हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें अपने प्रेमी को ज्यादा टाइम देने की, उनको इंपॉर्टेंस देने की। कार्य क्षेत्र में भी नए नए विचार मन में जन्म लेंगे, वही विचार को आगे बढ़ाएं जो सच में सही है और आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन लोग जो हैं किसी पुरानी लटकी हुई परियोजना थी उसको आज आगे ले जाने के लिए कंप्लीट करने के लिए काम कर सकते हैं। आज आपकी माँ को आपके किसी छुपे हुए राज के बारे में पता चल सकता है। अपनी माँ से कटु बातों को ना करें। दाम्पत्य जीवन में आज मियाँ बीवी के बीच जो है किसी तीसरे की दखलंदाजी भी देखने को मिलेगी। वहीं छात्रों की बात करें तो आज आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है, इसका भुगतान आपको आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। इसी सोच को अपने दिमाग में अगर बिठाएंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे। गृहिणियां जो है आज पति के साथ या अपने घर वालों के साथ शॉपिंग पर जा सकती हैं। उपाय सुनिए, उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि आज के दिन को बेहतरीन बनाना है तो दादा दादी या उम्रदराज लोगों का सम्मान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। हेल्थ को लेकर आज आपको जो है चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि दिन की व्यस्तता के कारण आप खुद को जो है वक्त देने में असमर्थ होंगे। आज आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा आएगा। अचानक से होने वाले लाभ, जैसे कि कहीं आपने किसी को उधार दिया था, वो शेयर बाजार में सट्टेबाजी से आपको लाभ हो सकता है। कहने का मतलब है संपत्ति भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ होगी और धन के मामले में आज आप भाग्यवान रहेंगे। विवाह योग्य जातकों, आज अपने पिता या माता की तरफ से शादी का दबाव आ सकता है। वहीं घर में आज किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है, फैमिली में इस वजह से टेंशन देखने को आपको मिल सकता है। प्रेम जीवन की बात करें, आपका साथी आपको तभी रिस्पेक्ट देगा जब आप उसे रिस्पेक्ट दें। इसीलिए आज अपने जो है इस रिश्ते में आपको इज्जत जो है बरकरार रखनी होगी। अपने अधीनस्थ काम करने वालों को बेकार की तनाव और चिंता ना दें, उनसे गलत भाषा में बात ना करें, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वहीं बिजनेसमैन लोग जो है आज आप अपने अंदर छुपी हुई खूबियों का इस्तेमाल करेंगे अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। शाम के समय आप जो है दोस्तों के साथ घर पर एक पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ जा सकती हैं, इसका समाधान अगर तुरंत नहीं खोजेंगे तो भविष्य में रिश्ता जो है बिगड़ सकता है, पूरी तरह से टूट सकता है। तो छोटी छोटी चीजें जो आप दोनों आराम से शांति से बैठ के सुलझा सकते हैं उसको बात का बतंगड़ ना बनाएं, उस चीजों को तुरंत सॉल्व करें और वहीं पे खत्म करें। वक्त की अहमियत को इस राशि के छात्रों को आज समझना है, नहीं तो आज गप्पे मारने और मोबाइल पर गेम खेलने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि आपने कितना सारा समय बर्बाद कर दिया और ये समय कभी वापस लौट के नहीं आएगा, ये बात जरूर ध्यान में रखिए। गृहिणियों का आज दिन जो है काफी आरामदायक बीतेगा। आज जो है आपको कल होने वाली छुट्टी के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स आज से ही चलनी शुरू हो जाएंगी। उपाय सुनिए, विधवाओं की मदद करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि की। आज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके चेहरे पर तेज विद्यमान रहेगा, आप काफी ऊर्जावान रहेंगे, साथ ही कार्य क्षमता में भी वृद्धि होने आपको होगी। कहने का मतलब है आज हेल्थ आपका काफी अच्छा रहेगा। पैसों की बात कर लेते हैं, आज उसमें भी आपको सफलता मिलेगी।
आपको कहीं से आर्थिक लाभ के योग है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा और उनका आशीर्वाद आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफल बनाएगा। परिवार में जो है एक दूसरे को मान सम्मान जो है वो उसमें कमी देखने को मिलेगी। घर को तोड़ने के बजाय घर को जोड़ने का काम करें, जो इंसान आपसे रूठा हो उसको मनाने का काम करें। प्रेम जीवन में आज जो है गलत फहमियों की वजह से प्रियतम के साथ विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, यही आपके लिए सबसे अच्छा जो है सॉल्यूशन है। बिजनेस डील अगर आज इस राशि के कुछ जो है बिजनेसमैन करते हैं तो आज आपको काफी फायदे में आप रहेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में आज कुछ विशेष नहीं होगा, शांत स्वभाव आपका आपके साथी का दिल जीत सकता है, इसीलिए कभी कभी चुप रहना भी सीखे और वैवाहिक जीवन का आनंद लेना सीखे। छात्रों की बात करें, ज्ञान एक कला है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, तभी ज्ञान का जो है आपका आगमन है और जो ये है आपका बना रहेगा। यानी अगर ज्ञान का भंडार आप चाहते हैं तो आप लोगों से बातें करना सीखें, लोगों की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, तभी आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमेशा किताबी चीज़ें ही इंसान को ज्ञानी नहीं बनाती, कभी कभी दूसरों की बातें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हैं, तो इसलिए लोगों को सुनना सीखें। इस राशि की जो गृहिणियां हैं, आज आपका अपने जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है या घर वालों से, और मूड खराब हो सकता है। कोशिश करें इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को जो है ऐसे ही जाने दें, बातों को ज़्यादा खींचे ना। उपाय सुने, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता आज जो है तांबे के जार में घर में रखें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम तुला वालों की। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सचेत रहना है। ग्रह नक्षत्र की चाली बता रही है कि आज तुला वाले जो है उनकी तबीयत खराब हो सकती है। वहीं धन संबंधी मामलों की बात करें तो उसमें भी सोच समझ कर चलना है। बैंक से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, किसी से कोई पैसों का लेन देन कर रहे हैं, उसमें आपको एकदम सावधानी रखना है। पैसे से जुड़ा कोई लेन देन कर रहे हैं जो दस्तावेज के माध्यम से हो रहा है, उसमें भी अपनी आंखें जो है एकदम आपको एकदम दिमाग आंखें खोल के रखनी है कि कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए पैसों के मामले में आज सतर्क रहना है। फैमिली लाइफ में आज अपना गुस्सा घर पे किसी जो है परिवार के सदस्य पे निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं प्रेम जीवन में आज आपके और आपके प्रेमी के बीच कोई नहीं आ सकता, दीवानगी की सारी हदें पार हो सकती हैं, यानी प्रेम जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। आज जो है बात करें कार्य क्षेत्र की, ऑफिस की, तो जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे थे, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, उस बारे में आज आपको खबर मिल सकती है। आज आपको पता चलेगा कि आपके काम की अहमियत जो है कितनी है ऑफिस में, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको लगातार ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। इस राशि के कारोबारी बिजनेसमैन लोग जो है तुला वाले, आज अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। इस बड़े डिसीजन को लेने से पहले अपने इष्ट देव को जरूर ध्यान में ले लें। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी की ओर से आज आपको प्रेम और सम्मान मिलेगा। आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी बदले में उन्हें वही प्रेम और सम्मान दें। बच्चे जो है आपको घरेलू कामकाज में निपटाने में आपकी मदद करेंगे। वहीं बात करें आपके जो है छात्रों की, इस राशि के छात्रों की, तो आज मौज मस्ती की यात्राएं के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सामाजिक मेलजोल होगा। यात्रा भी आज आपके योग में है। आपका जो है अच्छा व्यक्तित्व जो है सभी को आकर्षित करता है अपनी तरफ, इस चीज का प्रयोग आप अपने लिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में किया करें, ताकि आप जो है लोगों से आपके संपर्क बने, आपके संपर्क सूत्र में इजाफा हो और इससे आपको आगे चलकर भविष्य में फायदा हो। गृहिणियां जो है आज निसंदेह आपका दिन अच्छा बीतेगा, आज का दिन आपके लिए बहुत सही रहेगा, इसीलिए कोशिश करें इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए। अपने घर के लोगों से प्यार से बातें करें, उनके मनपसंद की चीजें करें, उनको मनपसंद की चीजें बनाकर खिलाएं। उपाय सुन लीजिए, उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को ये सलाह देना चाहेंगे कि आज के दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भगवान में आस्था रखें, सत्संगति करें और मानसिक हिंसा करने से बचें। ये चीजें आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे और आपके प्रॉब्लम्स को आप खुद ही दूर करने में जो है सक्षम हो पाएंगे। शुभ अंक है आपके लिए 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज इस राशि के लोग जो है खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाएगा। सेहत की चिंता आज आपको कुछ ज्यादा ही रहेगी, इसीलिए आप अपनी छोटी छोटी चीजों को भी हेल्थ से जोड़ के देखेंगे। खर्चों में भी इजाफा होगा, आमदनी में बढ़ोतरी जो है वो भी हो सकती है, तो यानी कि दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। यात्रा कर रहे हैं तो आज आपको अपना ध्यान रखना है, अपने सामान का ध्यान रखना है, क्योंकि आज यात्रा के दौरान कुछ गलतियां हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में जो है दिन अच्छा बीतेगा, बच्चे आज आपके लिए कुछ खास योजना बनाएंगे। वहीं अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, तो आज आपको अपने ऑफिस में ख्याली पुलाव पकाने से बचना चाहिए। आने वाले समय में आप ये कर लेंगे, ये सोचने से जरूरत है। जो समय चल रहा है उसमें आप अपना 100% दें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, आपके साथी के व्यवहार को लेकर आप कल्पनाएं करने से बचें। कल्पनाएं बहुत कम दफे ही सही होती हैं, वास्तविकता में जो है उसमें जिया करें, नहीं तो सारे समीकरण खराब हो सकते हैं।
और अगर कार्य क्षेत्र पर इस राशि के लोग, फिर से एक बार बताना चाहेंगे, अगर अच्छा चाहते हैं तो अपने सहयोगियों से, अपने सहकर्मियों से बनाकर चला करें। कारोबारियों के लिए भी दिन सामान्य है। दिन की शुरुआत से ही आज आप सोचेंगे कि आप जो है कहीं अपने अकेले में एकांत में अपना थोड़ा समय बताएं, आप जो है अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करें। आज के दिन आप अपने आप को थोड़ा देंगे। जीवन साथी को आज आपका पूरा समय मिलेगा, यानी आप और आपके जीवन साथी जो है आज काफी एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, गप्पे मारेंगे और जो है आने वाले भविष्य के लोग को लेकर, माता पिता के बारे में लेकर बातें कर सकते हैं। छात्रों की बात करते हैं, इस राशि के जो छात्र हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान अर्जित करना जो है बहुत जरूरी है। इसीलिए आज आपको सिर्फ सलाह है कि हर किसी से तमीज से बात करें, हर किसी से प्यार से बात करें और हर बार ज्ञान अर्जित करने की सोचें। वहीं गृहिणियां जो है आज आप काफी तरोताजा रहेंगी, दिन आपका अच्छा बीतेगा। उपाय सुन लीजिए, नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। सेहत के लिहाज से आज का दिन जो है बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है धनु वालों के लिए, इसीलिए आज सेहत के प्रति आपको सावधान रहना है। पैसों के मामले में आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। पहले आपने जो कोई भी प्रयास किए थे अब उसके फल मिलने का समय आ गया है। आपके परिवार के सदस्य भी आज आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका पूरा सहयोग करेंगे, लिहाजा पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज आपका दिन काफी खुशनुमा बीतेगा और परिवार के सदस्यों के बीच रहकर आपको एक सुकून का एहसास होगा। आज हो सकता है फैमिली वालों के साथ आप कहीं मूवी देखने भी जाएं। प्रेम जीवन के लिए दिन शुभ नहीं है, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है दिन, इस बात का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की बात करें ऑफिस की, तो आज आप अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वहीं जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, तबादले की खबर आ सकती है आपकी। उच्च अधिकारियों से बातचीत कर आप तबादला अगर सही जगह पे नहीं हो रहा है तो आप उसको रुकवा भी सकते हैं, क्योंकि आपकी मीठी बोली आपका बहुत सारा काम करवा सकती है। व्यापार के क्षेत्र में आज जो भी प्रयास करेंगे शुभ फलदायी रहेगा। आज आपके घर में कोई रिश्तेदार भी आ सकता है इस राशि के जो जातक है उनके घर में। खाली समय का आनंद लेना चाहते हैं तो आज जो है वो चीजें करें जो आपको पसंद है। वैवाहिक जीवन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव भी संभव है, लेकिन दिन ढलने तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। छात्रों की बात करें तो आज आपके लिए एक सलाह है, सफलता पाना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करते रहें और जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने माता पिता, अपने इष्ट देव, इनको ध्यान में रख के तब पढ़ाई किया करें और एकांत में बैठा करें, तभी आप अपनी पढ़ाई को 100% दे पाएंगे। गृहिणियों को आज अपने अहम को पीछे रखकर अपने जीवन साथी की बातों को सुनने की जरूरत है। हमेशा अहम में आकर और घमंड में आकर अगर आप चीजों को इग्नोर करेंगी तो बहुत सारी चीजों से जो है आप दूर हो जाएंगी, अच्छी चीजों से भी दूर हो जाएंगी, इसीलिए दूसरों की बात, अपने जीवन साथी की खासकर बात सुना करें। उपाय सुन लीजिए, उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को यह सलाह देना चाहेंगे कि दूध, दही, घी, कपूर और सफेद फूल का दान करें। शुभ अंक है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर आपका मानसिक स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, इसलिए बेकार की चीजें बिल्कुल भी ना सोचें, एकांत में बैठकर थोड़ा ध्यान किया करें, इससे टेंशन कम होगी। पैसों की बात करें तो आज धन की कोई कमी नहीं रहेगी और एक से अधिक माध्यमों से आपके पास पैसा आएगा, यानी कि खर्चे जो है, जो भी खर्चे आपके लिस्ट में है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। हाथ खोलकर व्यय करने से बस बचना है आपको, यानी कि नियंत्रण में खर्च करना है। पैसों की आने की गति देखकर ऐसा ना हो कि आप जैसे बेफिजूल की चीजों पर खर्च करना शुरू कर दें। एक बड़ा परिवार एक सुखी परिवार होता है, ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज आपको जरूरत है अपने परिवार को अहमियत देने की। लोगों को अगर घर के लोगों को नजरअंदाज करेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं। प्रेम जीवन में आप और आपका प्रेमी जो है किसी छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे से उलझ सकते हैं आज, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले से ही हम आपको सलाह दे रहे हैं कि उलझने से आज बचना है। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने काम में संतुष्टि मिलेगी, वहीं कारोबारी भी आज किसी नए प्लान को लागू करने के बारे में सोच सकते हैं या कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आज पार्टी करने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, तो आप जो है ऑफिस के बाद या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद आप पार्टी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए सबसे जरूरत की चीज क्या है कि जीवन साथी की भावनाओं को, उनकी बातों को समझें और संतुलन बनाकर चलें, तभी आपका जो है वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आज वैसे दिन कोई बुरा नहीं है, दिन आपका वैवाहिक जीवन सही रहेगा, बस ये आपके लिए एक सलाह थी। बात करें छात्रों की, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन को सफल बनाने के लिए मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए। जीवन में ना किसी चीज की अति होनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि किसी चीज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए। अनुभव हर चीज का अच्छा है और अति हर चीज की बुरी, इसीलिए आज आपको मेरी यही सलाह है कि किसी भी चीज की अति से बचे, आपका जीवन सुधर जाएगा। बाकी आप छात्र हैं, आप समझदार हैं, आप इन बातों से समझ सकते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है। आज का दिन इस राशि की गृहिणियों के लिए सामान्य रहेगा। उपाय सुन लीजिए, उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को यह सलाह देना चाहेंगे कि अपने बड़े भाई के विचारों का आज सम्मान करना है और उनकी बात को मानना है।
शुभ अंक है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। स्वास्थ्य आज कुंभ वालों का अच्छा रहेगा। किसी शारीरिक कष्ट से अगर जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। आपके सितारे आज आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जिससे आपको धन लाभ होगा। वहीं फैमिली में आज थोड़ा तनावपूर्ण माहौल होगा। कोशिश करें प्यार मोहब्बत से चीजों को सुलझाने की। वहीं लव लाइफ भी आज बेकार हो सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ये इशारा कर रहे हैं कि थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आज आपको आराम मिलेगा। वहीं व्यापार के लिए भी दिन शानदार है। आज आपको व्यापार में मुनाफा मिल सकता है। दूसरों को आप अपनी बातों से आज प्रभावित करने में सफल रहेंगे, इसीलिए अपने शब्दों को गौर से चुनें। दाम्पत्य जीवन में आज के दिन आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन को सरल बनाने के लिए जीवन साथी का होना कितना आवश्यक है। इस राशि के छात्रों को इस सलाह देंगे कि भविष्य की चिंताएं करके आज अपना दिन बर्बाद ना करें, पढ़ाई में मन लगाएं और जो चीज आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें पहले। गृहिणियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज उन्हें पति के द्वारा कोई प्यारा सा तोहफा मिल सकता है। उपाय सुन लीजिए। उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें सलाह देना चाहेंगे। उपाय बेहद ही सिंपल होता है। उपाय इसलिए बताते हैं ताकि आपकी जो जिंदगी है जिसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं वो दूर हो जाए। उपाय है, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो घर में आज कोई कुत्ता पालें, किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि की। मानसिक स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि आप भ्रम उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से बचें, नहीं तो आप अवसाद के यानी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में आज आप अगर आप शेयर मार्केट आदि में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में काफी अच्छा रहेगा, यानी आज आप पैसों के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन में घर वालों की समस्याओं को आप सुनेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। आपका यह प्रयास जो है सार्थक रहेगा। प्रेम जीवन में आज आपको पता चलेगा कि सिर्फ तोहफे से और मीठी मीठी बातों से प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि चुप्पी से भी प्रेम का एहसास होता है। आज अपने प्रेमी के साथ जो है अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए उनसे कुछ जो है उनकी बातों को सुनने की भी कोशिश करें। जो है कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं कार्य जो है कारोबारी जो लोग हैं उनको आज कुछ दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको कहीं अपने बिजनेस से रिलेटेड कहीं पे जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, बस आप घर से निकलने से पहले अपने माता पिता के अपने इष्टदेव को ध्यान में रखें। आज आप किसी कारणवश जो है परेशानियों से बीच बीच में खुद को घिरा हुआ पाएंगे जहां आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन में आज आपको महसूस होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है काफी खूबसूरत है। लाइफ पार्टनर का प्यार और सपोर्ट आपको काफी ऊर्जा देगा। आज के दिन इस राशि के छात्रों के साहस में वृद्धि होगी। जिसके चीजों को करने में आप घबराते थे, आज आप उसको पढ़ने में उसको में जो है आपकी क्रिएटिव जो है वो क्रिएटिविटी जागेगी और उसको में आप इंटरेस्ट लेंगे, आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। वहीं गृहिणियों की बात करें तो आज के दिन जो है आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप सब परिवार किसी रेस्टोरेंट में रात्रि भोजन के लिए जा सकती हैं। दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें करें और अच्छे से जो है बिहेव करें। अब बात करेंगे उपाय की। तो उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को यह सलाह देंगे कि ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 9 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिले। बाकी जाने से पहले आप सभी दर्शकों का एक बार ढेर सारा धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट आपका लगातार हमें मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और हम भी आपको हर रोज ऐसे ही अपने दैनिक राशिफल की इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां अपने दिन के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। और एक और बात की जानकारी आप सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि भीष्म पंचक चल रहा है जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है और 12 तारीख तक चलेगा। भीष्म पंचक वो है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जब भीष्म पितामह जो है बानों की शैया पे लेटे हुए थे तो उस टाइम पे कृष्ण जी ने जो है पांडवों को कहा था कि आप जो है भीष्म से जाएं और उनसे ज्ञान अर्जित करें, और भीष्म को भी कहा कि आप पांडवों को जो है कुछ ज्ञान की बातें बताएं। उन्होंने 5 दिन तक लगातार जो ये अपना ज्ञान दिया था उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी चीजें बताई थी पांडव पांचों भाइयों को। तो ये जो है ये उनके पूरे ज्ञान का जो क्रम था ये 5 दिनों तक चला था। इसी को जो है उसके बाद ये जब ज्ञान का क्रम खत्म हुआ तो कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को कहा
कि ये जो है ये 5 दिन हमेशा याद किए जाएंगे, बहुत हितकारी रहेंगे। इस समय में अगर कोई भी इंसान व्रत करता है तो उसके जो पाप क्रम है वो खत्म हो जाएंगे और उसे जो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं और वहां हमारे जो है एस्ट्रो मैगजीन में आप इसके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि व्रत के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी दें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।